हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम सेट्स 47 एंड दिस इज़ माय नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मेरा ये प्रॉब्लम सेट्स 47 का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आज स्टार्ट करूँगी 9th सम से। तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पूरे सम्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को देखकर पता चल रहा होगा कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या दिया है, चलो मैं पहले रीड कर लेती हूँ। इफ़ वन शर्ट नीड्स 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कंप्लीट कपड़ा और 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर। अब 50 देखो, 1 मीटर मतलब कितना होता है, क्लियर थोड़ा कर देती हूँ कॉन्सेप्ट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 100 का ये हाफ है 50, मतलब ये हो गया हाफ मीटर। ऐसे भी हाफ मीटर हम लिख सकते हैं या 50 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑफ क्लोथ। हाउ मच क्लोथ डू वी नीड, हमें कितना क्लोथ लगेगा फॉर 5 शर्ट्स, अगर हमें 5 शर्ट्स बनाने हैं। तो एक शर्ट के लिए 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लग रहा है, 2 मीटर एंड हाफ मतलब 50 सेंटीमीटर क्लोथ लग रहा है। तो 5 का पूछा हुआ है। तो जैसे आप लोग एक पेंसिल लेते हो, सपोज़ एक पेंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखो 5 रुपये की है, तो आप लोगों को 2 लेनी है तो क्या करोगे, 5 2 10 करोगे। 3 लेनी है तो 5 3 15 करोगे। तो ऐसे ही एक क्लोथ के, एक शर्ट के लिए 250 सेंटीमीटर है ये, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर यहाँ पर मतलब 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लग रहा है कपड़ा। तो 5 शर्ट के लिए कितना लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हमें कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा उसे लिख देते हैं। वन शर्ट नीड 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लोथ। सो यहाँ पे आप देयरफॉर या सो जैसे बोलते हैं स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग 5 शर्ट्स नीडेड या नीडेड हाउ मच क्लोथ। तो अभी हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, वी विल यूज मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर कॉलम बना दिया है। 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये है क्लोथ रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 5 डायरेक्टली। 5 क्यों डायरेक्टली लिया है, ये मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, ये डायरेक्टली 5 है। ये क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स। ओके, ये नंबर ऑफ शर्ट्स है तो इसके लिए इसे डायरेक्टली हम इसे लिखेंगे। तो 5 0 0 0, 5 5 25। सो यहाँ पर आप 5 लिखोगे और 2 कैरी करोगे, 5 2 10 11 12। ऐसे देखने के बाद पता चलेगा 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 शर्ट्स। सो 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड लिखो या नीडेड लिखो फॉर 5 शर्ट्स या सच 5 शर्ट्स। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन हियर, इफ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन हॉर, मतलब
वन हॉर, एक घंटा, ठीक है। तो एक घंटे में अगर एक कार 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है, यहाँ से यहाँ जाना है तो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एक घंटे में। सो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन, क्या पूछा है, टू हॉर्स। तो टू हॉर में देखो यहाँ पे आप लोगों को फोर सब क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम फर्स्ट वाला पहले करेंगे। तो फिर टू हॉर्स कितना टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पर कितना डिस्टेंस जाएगी हमें ये देखना है। सो इफ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन हॉर, सो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन टू हॉर्स, टू हॉर में कितना होगा। तो अभी आप सिंपली देख सकते हो, इन वन हॉर इफ अ कार ट्रैवल इन वन हॉर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर आंसर है। सो इन टू हॉर इट ट्रैवल, क्या करना होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ज़ीरो आ गया नीचे, 6 2 12 कितना आ गया है, 120 किलोमीटर। सो इट विल ट्रैवल 120 किलोमीटर इन टू हॉर्स, इसका आंसर आ गया 120 किलोमीटर, ठीक है। अभी सेकंड पूछा है, इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन हॉर, सो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में ये कितना ट्रैवल करेगा। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है, अभी देखो यहाँ पर वन हॉर इज इक्वल टू 60 मिनट, ओके। सो अभी 15 मिनट क्या हो जाएगा, ये 60 का फोर्थ पार्ट है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये उसका फोर्थ पार्ट है, मतलब 1/4 है, ओके। सो 15 मिनट मीन्स, लिख देती हूँ, 1/4 पार्ट ऑफ एन हॉर, ये घंटे का क्या है, 1/4 पार्ट है। तो इसके लिए अभी क्या करना है हमें, सो 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करना है। तो 4 1 4 4 1 4, यहाँ पे 2 लेफ्ट हुआ, 4 5 15, तो 15 आंसर आया है यहाँ पे। तो ये 15 क्या है, सो इन 15 मिनट इट ट्रैवल 15 किलोमीटर। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो कैलकुलेशन, यहाँ पर 60 किलोमीटर आया है और वन हॉर भी क्या होता है, 60 मिनट ही होता है। इसके लिए 60 60 यहाँ पे कैलकुलेशन में आ गया है ना इक्वली, इसीलिए आंसर भी देखोगे तो 15 15 है। तो आप लोगों को शायद से ऐसा लगेगा ये राइट है या नहीं है, बट इन 15 मिनट इट ट्रैवल 15 किलोमीटर, ओके। इतना स्पीड है उसका कि वो गाड़ी 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक जा रही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है, तो ये 10th का सब क्वेश्चन 2 था, ठीक है, सब क्वेश्चन है। अभी हम थर्ड देखेंगे, 10th का ही थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज़ हाफ एन आवर मतलब कितना हुआ, हाफ एन आवर मतलब होता है 30 मिनट, ठीक है, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो इसीलिए अभी यहाँ पर हमें देखना है तो आधे घंटे में कितना आगे जाएगी। सो इफ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन वन हॉर मीन्स इन 60 मिनट इट ट्रैवल 60 किलोमीटर, तो ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है। सो इन हाफ एन हॉर इट विल ट्रैवल, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 करना है, जैसे ऊपर किया था ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 1 2 2 3 6 2 0 0, ऐसे नहीं आया डिवीजन तो सीधा ऐसे करो, 2 3 6 6 माइनस 6 0, ये 0 नीचे आ गया है,
टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। ओके 30, यहाँ पर भी 30 आ गया है, ये भी 30 है। बट सिंपल आप लोगों के लिए अगर ऐसा सीखोगे ना तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आगे आगे आप लोगों को जब भी डिवीजन करना है तो फिर ये करते करते बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे करने इसके लिए सीखना है। तो अगर आप लोगों को चाहिए ऐसे वाले बहुत सारे सम्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊँ, प्रैक्टिस करवाऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो आंसर क्या आ गया है यहाँ पे, सो इन हाफ एन आवर कार ट्रैवल 30 किलोमीटर हो गया। अभी इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आप लोग देख लो क्लियरली पहले कैसे किया हुआ है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, या आप लोग एक से दो बार इसे फिर से देखना है, चेक करना है, देखना है, रीड करना है, कैसे किया एक्सप्लेन किया हुआ समझ लेना है, सॉल्व करना है मेरे साथ में ही, और फिर आपका खुद का आप सेल्फ टेस्ट लेकर करो। फिर भी आप लोगों को नहीं आया तब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये अच्छा लगा है तो फिर बस आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट मुझे ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, 3 and a half hour। अभी यहाँ पर 3 hour पूछा है पहले एंड एंड हाफ आवर दिया है ना, एंड अ हाफ आवर, हाफ आवर मतलब 3 घंटा और कितना, 3 hour and 30 minutes। हाफ आवर मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया ना 30 minutes, तो इसका मतलब हुआ है 3 hours and 30 minutes में कितना जाएगा। सो इन 1 hour कार ट्रैवल 60 किलोमीटर, सो इन 3 hour इट विल ट्रैवल, सो 3 multiplied by 60 करना है, बिकॉज एक के साथ में हम जितने भी हॉर्स दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 नीचे ले लो, 6 3 18, ये हो गया है किलोमीटर। अभी हाफ एन आवर है, सो हाफ एन आवर का यहाँ पर हमने देखा था क्या आता है, हाफ एन आवर का 30 मिनट आता है। सो 180 + 30 इज इक्वल टू कितना होता है, देखो इसको वर्टिकली करो अगर प्रॉब्लम है तो, प्लस 0 8 + 3 11 1 carry 210, सो ये हो गया 210 किलोमीटर। सो इन 3 and a half hour इट विल ट्रैवल 210 किलोमीटर। ठीक है, ये लास्ट वाला आंसर मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लोगों को वैसे ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ 1 gold bangle, जैसे बैंगल मैंने भी पहना हुआ है, इफ़ 1 gold bangle इज़ मेड फ्रॉम 12 gram 250 milligram ऑफ गोल्ड। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ कि सोना जो होता है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सोना तो हम 1 किलो 2 किलो नहीं लाते हैं ना, हम 1 तोला लाते हैं, 1 तोला। अभी अक्षय तृतीया हुआ है तो शायद से आपके घर में भी लाया होगा, 1 तोला है या आधा तोला है, तो आधा तोला मतलब कितना होता है, वो होता है 500 मिलीग्राम, और 100 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम छोटा सा, ओके मिलीग्राम दिया है यहाँ पर 250 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड, 12 ग्राम एंड 250 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर ये कैलकुलेशन रॉन्ग लिखा है लोगों ने, 1000 मिलीग्राम मतलब ना होता है, मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम होता है बराबर, ठीक है ओके। तो यहाँ पर दिया है कि 12 ग्राम है और 250 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड लिया है, सो हाउ मच गोल्ड विल बी नीडेड टू मेक 8 such bangles। तो अभी 8 bangles बनाने हैं, तो पहले यहाँ पर 1 gold bangle के लिए कितना लग रहा है, इतना गोल्ड लग रहा है, तो 8 के लिए चाहिए। तो सिंपल है, जब 1 से मैनी चाहिए, 1 दिया है और मैनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल फॉर्म है याद रखना है, 1 दिया है और मैनी फाइंड करना है, तो क्या करते हैं आप इसे लिख लो। चलो मैं दिखाती हूँ,
आप लोग इसे लिख कर रखो। वन दिया है और मैनी फाइंड करना है, फाइंड मैनी, तो क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल याद रहेगा। और मैनी दिया है, बहुत सारा दिया है, और फाइंड क्या करना है, वन, तो फिर क्या यूज़ करोगे, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना है, आई एम पी मतलब इम्पोर्टेंट, ओके, चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ सब। इफ वन बैंगल नीड 12 ग्राम एंड 250 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, सो 8 सच बैंगल्स नीडेड, हाउ मच, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 ग्राम लिखो या पॉइंट देकर 250 भी हम लिख सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म भी रहेगा। ये जो 12 है इसे कम्प्लीटली लिखना है, पॉइंट देना है, 250 लिखना है, या तो आप लोगों को यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे मिलीग्राम ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इसे वर्टिकली लिखेंगे, 12 250 जैसे ग्राम और मिलीग्राम लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 8 जैसे हमने प्रीवियस सम किया था जिसमें मैंने ऐसे लिखा था जब शर्ट्स का हमने फाइंड किया, तो 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20, 2 आ गया यहाँ पर, 8 2 ज़ा 16, 17 18, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9, तो कितना लगेगा यहाँ पर 8 बैंगल्स के लिए, 98 ग्राम गोल्ड विल बी नीडेड। तो क्वेश्चन में जो से दिया है ना ऐसे लिखना है, हाउ मच गोल्ड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, ना टू मेक 8 सच बैंगल्स वी विल बी नीडेड 98 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये है आंसर, ठीक है, ये आंसर है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओके। चलो आगे वाला सम कर रही हूँ, हाउ मैनी पाउचेस ऑफ 20 ग्राम क्लोथ, क्लोथ क्या होता है, देखा है आपने ब्लैक कलर का मसाले के डब्बे में आपके घर में होगा जिसे हम लवंग कहते हैं, दांत वगैरह दर्द होता है तो मम्मी आपको शायद से देती होगी, नहीं देखा है पहले कभी भी तो अभी मम्मी से पूछ लेना कि लवंग कैसा होता है हमें दिखाओ, जिसे हम क्लॉ कहते हैं इंग्लिश में, ओके। आज पहले सबसे पहले करना है, ईच कैन बी नीड मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम 240 ग्राम ऑफ क्लॉथ, अभी यहाँ पे क्या पूछा है देखो, थोड़ा बीच में बोला ना इसके लिए क्वेश्चन ब्रेक हो गया ना, हाउ मच पाउचेस ऑफ 20 ग्राम क्लोज सच ईच कैन बी मेड, अगर ईच कैन बी मतलब क्या है, हर एक में इतना डालते हैं 20 ग्राम, कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg एंड 240 ग्राम ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो 240 ग्राम लवंग है, इतना सारा लवंग मेरे पास है, बहुत सारा, 1 किलो से ज़्यादा, लेकिन मुझे पाउच कितने बनाने, छोटे छोटे, क्योंकि मसाला जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो उसके छोटे छोटे से ऐसे पाउचेस मिलते हैं, आप मार्केट में अगर जाओगे तो देखना वहाँ पर मसाला लवंग है, इलायची है, जीरा है, सब के ना छोटे छोटे पाउच मिलते हैं 10 रुपये में 20 रुपये में ऐसे, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो इसे, तो ये कितने ग्राम का पाउच बनेगा, एक पाउच 20 ग्राम का बनेगा, टोटल कितने अपने पास यहाँ पे क्लॉज है, 1 kg एंड 240 है ग्राम, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा पता है, हमें ये किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना है,
तो मैं यहाँ पर ये स्टार्ट करती हूँ। अभी आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। सो 1 kg एंड 240 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो इसे हम कैसे करेंगे देखो, 1.240 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ये देखो ये 30 है ना, इसे तीनों जीरो को नीचे लिख लो, हो गया। अब इसके बाद ये नंबर 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, आ गया ये नंबर। अभी ये पूरा स्टॉप नहीं हुआ है, अभी क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना डेसिमल पॉइंट, इसके आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 के आगे दे दो पॉइंट, तो अपना कंप्लीट नंबर कौन सा है, 1 2 4 और 0, यही आंसर आएगा बस ग्राम में। अभी इसके बाद क्या करना है, इफ़ 1 पाउच इज़ मेड फ्रॉम, क्या दिया हुआ है, मेड फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ क्लोथ, इफ़ 1 पाउच इज मेड ऑफ 20 ग्राम क्लोथ, सो 1240 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 ग्राम, तो इसे हमें डिवीजन करना है, बिकॉज यहाँ पे 1 से हमें मैनी अभी दिया हुआ है, तो फाइंड करेंगे डिवीजन करना है, तो कैसे करना है चलो इसको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें वर्टिकली लिखना है 1240 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 का टेबल आप लोगों को आता है, नहीं आता है, आता है बिकॉज 2 के टेबल के अकॉर्डिंग हम इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, इसमें भी स्टार्टिंग में 0, लास्ट में 0 है, इसमें भी है, तो ये 0 0 हमने कट कर दिया, अभी 0 0 कट कर दिया, तो यहाँ का 0 भी गया, ये भी 0 गया, अभी लेफ्ट क्या हुआ है, 1 2 4 और 2 2 6 ज़ा 12, 0 0 4 आ गया नीचे, 2 2 ज़ा 4, कितना सिंपल बन गया ये सम। अभी देखो 62 आंसर आ गया है, तो क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, हाउ मैनी पाउचेस ऑफ 20 क्लोज कैन बी मेड, हमें यहाँ पे देखना है। सो 62 पाउचेस कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम एंड 240 ग्राम क्लोज, ये इतने क्लोज में से हमें 62 पाउच मिल गए यहाँ पर, ठीक है सिंपल। डिवीजन देखा कितना सिंपल करके दिखाया मैंने, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो और एक मेथड दिखाती हूँ, अगर आपके स्कूल में ऐसे दिया है फिर भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी देखो यहाँ पे 0 0 कट हो गया, ये भी डिवीजन होता है, हाँ ऊपर और नीचे लिखते अपॉन में, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, आ गया 62, है ना सिंपल। तो चलो अभी यहाँ पर मैंने 12th सम भी कंप्लीट कर दिया है, तो 12th सम यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, बिकॉज इसके आगे के सम्स हम करेंगे उसके लिए और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा वीडियोस बड़ा भी बनेगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं, बोर हो जाओगे आप लोग शायद से करते करते। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे, तो ज़रूर आप लोग देखो। चैनल में नए हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लेसन्स के लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से ज़रूर ज़रूर अच्छे से हेल्प होगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।